राजा की अहमियत नहीं देते, न बादशाह न कोई वजीर, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। वहाबियत की जनाजा, वहाबियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। मगर आज इस उर्से हुजूर पासवानी मिल्लत कॉन्फ्रेंस में ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सरकार पासवानी मिल्लत के फैजान से इंशाअल्लाह तआला तमाम तर लकीरों को मिटाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मुक्तदर और नेपाल के मुक्तदर उलमा शोरा खुतबा मशाइखे सुन्नत की आमद आमद हो चुकी है, खुसूसियत के साथ मिंबर शरीफ पर आपके शहर की मजहबी हलके की नुमाइंदगी करने वाले जमात अहले सुन्नत की एक बुलंद फिक्र मसलके आला हजरत के नुमाइंदा खतीब अहले सुन्नत नाजी शेख मुफन नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहिबुल्लाह मिसबाही मदरसा वाली नूरानी दुआत सदारत की चेयर पे मौजूद है। साथ ही साथ खतीबे बवाकार नादी शेख मुफन हैतल्लामा अताउल्ला साहब किबला उस्तादुल उलमा हैतल्लामा मंजूर आलम साहब किबला खतीबे अहले सुन्नत फाजले ग्रामी हैतल्लामा मौलाना इनातुल्ला साहब किबला अमजदी वास्ती खतीबे हिंदू नेपाल हैतल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी ये तमाम हजरात मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ ऐलान करता हूँ शायरे बावकार हजरत उल्फत नूरी और हजरत महबूब जफर दहलवी से कि आप तमामी हजरात जल्द से जल्द मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए। आज के अजीम शान प्रोग्राम में शायरे इंटरनेशनल शायरे इंकलाब हजरत मुबारक हुसैन मुबारक गरीबी झारखंड ये तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ शायरे बावकार शायरे सुन्नत हजरत दिलकश मुजफ्फरपुरी शंशाए तरनू हजरत असलम रजा फैजी हजरत तारी मुकीम अंबर साहब किबला हजरत इमाम राही व दीगर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। और आज की इस खुसूसी खतीब की हैसियत से मुनाजर आलम इस्लाम मुनाजर अहले सुन्नत काते नजदीयत मायशत व बिदअत हैतल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला गोंडा यूपी ये आपके शहर मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को किस अंदाज का आइटम दिया जाए ताकि बिल्कुल आप तमामी हजरात गर्मा गर्म हो जाए। वैसे आज का मजमा न तो कम है न तो बेदम है, यकीनन आप पर सरकारे गरीब नवाज का करम है। सुन्नी अगरचे तादाद में कम होता है उस पे गौसो खाजा का करम होता है, और जिस पे गौसो खाजा का करम होता है उसका मामला बिल्कुल गर्मा गर्म होता है। लेकिन आप हजरात पीछे खड़े हैं मेरे जहन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा इन तमाम तर भाइयों से आप क्यों खड़े हैं बस बैठ जाइए, देखिए आगे कितनी जगह खाली है। अगर अगर आप चाहेंगे तो ये जलसा ये प्रोग्राम कामयाब हो सकता है, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अब बताइए इस तरह आप खड़े हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, आगे आ जाइए। ए बाबू भाई साहब थोड़ा आगे किसी के साथ हाँ आगे आ जाइए चाचा हाँ मेरे भाई आप लोग थोड़ी से आगे आ जाए थोड़ा आगे आ जाए आगे आ जाए हाँ और आगे आ जाए। जो लोग पीछे हैं वो खिसकते जाए आ जाए और करीब से करीब तर हो जाए। मैं अजाकार हजरात से गुजारिश करूंगा कि देखिए भाई उन लोगों को बैठाने की कोशिश कीजिए जो गेट पे खड़े हैं। भाई आप उठा रहे हैं बैठ जाइए आगे आइए या तो जगह खाली कर दीजिए। जलसे में तीन तरह के लोग आते हैं, एक घूमने आते हैं, एक देखने आते हैं, एक सुनने आते हैं। घूमने जो आते हैं इधर उधर देखा चला गया, देखने जो आता है सिर्फ मेला ठेला देखता है वो चला जाता है, जो सुनने के लिए आता है नबी की नात भी सुनता है और सुन्नत के चेहरे की ज़ियारत भी करता है। इसलिए गुजारिश है कि आप तमाम हजरात यकजा हो मोहब्बतों के साथ बैठ जाए ताकि मैं बाहर से आने वाले मेहमान शायर को और मेहमान खतीब को आपके हवाले कर लूं। वक्त का एक बहुत बड़े अजीम खतीब खतीब बावकार खतीब अहले सुन्नत हैतल्लामा अतुल्ला कादरी साहब किबला मदरसा वाली नूरानी की भी आमद आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है।
बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे जितने उलमा मशाइख अहले सुन्नत की आमद आमद है, इन तमाम तर हजरात को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की सदी में शान पासवान मिल्लत कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती दाइया इस्लाम खतीबुल इस्लाम मुफक्किर कौम मिल्लत मुस्लिह कौम मिल्लत शेख तरीकत पीर तरीकत आलिम जिशान अदीब शहीद पीर तरीकत हैतल्लामा मुफ्ती इसराइल अहमद कादरी अल मारूफ हुजूर फखरे नेपाल मदजिल्ला वाली मुरानी की आमद आमद होने वाली है। हजरत कयामगाह में आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे और आप तमामी हजरत हजरत के चेहरे की इजाजत करेंगे। इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। भाई अब्दुल अजीज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे बाबा नूरी साहब हमारे साहब आप बैठे हुए हैं, इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है। हाथ उठा के बोल दे, जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा दे, जो लोग चाह रहा है और मुकम्मल हाथ उठा दे, किसी भाई का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह एक बार लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह माशाल्लाह। इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है। नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है। और खलीफा थे उमर और जिंदगी फाके में काटी थी। खलीफा थे उमर और जिंदगी फाके में काटी थी। हमारे दौर का हाकिम तो कासा छीन लेता है। दौर का हाकिम तो कासा छीन लेता है। सदरे वकार अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब किबला मिसबाही के कदम को चूमकर उबैदुल्लाह कादरी अकीदे का एक शेर कह रहा है कि इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है। खलीफा के उमर और जिंदगी फाके में काटी थी। हमारे दौर का हाकिम तो कासा छीन लेता है। और राजा के इश्क के सबके नजर पुर नूर होती है। परैली का सुरमा है जो चश्मा छीन ले। परैली का सुरमा है, कोई भाई नारा लगा दे खड़ा होकर के। जिनको नारा याद हो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सरकारे जाहिदे मिल्लत के चाहने वाले हैं और कौन सरकारे पासवाने मिल्लत के मत वाले हैं। तो इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर के एक बार नारा लगा दे। जिंदाबाद। क्या नाम है? शफीक। शफीक भाई याद रहे, जब लूंगा आपका नाम तो आपको समझ जाना है क्या करना है। मुतवातर मुतवातिर मैं प्रोग्राम करते आ रहा हूँ। रात को जागना, दिन को भागना, ट्रेन की बोगी, अपना घर बिस्तर बेड अपना बिस्तर, कैंटीन में खाना, बिस्लेरी खरीद कर पीना, इश्क नबी में जीना रोज का माहौल है। अल्लामा इनायतुल्लाह अमजदी वास्ती ने बुलाया है, मैं आ गया हूँ। मोहब्बतों के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। एक साहब से मुलाकात हुई जिनका नाम आली जनाब नेता अब्दुल जब्बार साहब थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीक लेके निकले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि उन्हें इस तहरीक को सलामत रखे और इस तहरीक के जरिए से जमीनी काम हो, जो समाज मुक्त जहेज इन्होंने जहेज समाज मुक्त जहेज का उन्होंने क्या कहते हैं कि एक मिशन उन्होंने लेकर के निकला है। और उस मिशन को लेकर के मैं खुद अपने परिहार प्रखंड का एक उबैदुल्लाह कादरी जो पूरे भारत और नेपाल में तरीके मुखालिफ जहेज लेकर मैं बड़ी तेजी के साथ कौम मुस्लिम को बेदार करने जा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को आंखें दी है, हर शख्स को बाजू को सलामत रखा है, हर शख्स के पांव सलामत है, मगर फिर भी इतने भिखारी हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं, जो कटोरा लेकर के हाथ लेकर के किसी गरीब बाप के दरवाजे पे पहुंच जाता है
और भीख मांगता है, ऐ कौमे मुस्लिम सुधर जाओ। आपने देखा नहीं आयशा के साथ क्या हुआ? आयशा ने जहेज के खातिर खुदकुशी कर ली है। इतनी भी शर्म नहीं आती कि हमारे कौम की बेटियां कहां जा रही है, हमारे समाज की बेटियां कहां जा रही है? दिन भर का एक मजदूर बाप जो 300-500 रुपया कमाने वाला और कमा करके घर आता है, बेटी के चेहरे पे नजर पड़ती है, रोने लगता है, आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाता है, सिर्फ इस फिक्र में कि मैं अपने बेटी की शादी करूंगा तो कैसे करूंगा। मेरा दामाद, मेरा संबंधी इतना लालची है, जब तक मैं 5 लाख रुपया नहीं दूंगा, जब तक मैं मोटरसाइकिल और 4 चक्का नहीं दूंगा, वो शादी नहीं कर सकता। तो ए, इस पास वाले मिल्लत में आने वाले इस नेपाल के गिरदो नवा के कौमे मुस्लिम इस्लामी भाइयों, आज इस पास वाले मिल्लत से कुछ लेकर जाओ। कौन कौन ऐसा शख्स है जिसकी शादी हो गई हो, जिनके पास बेटे हो, ये तहिया करे कि मैं अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लूंगा। और जो नौजवान अभी जिस नौजवान की शादी नहीं हुई है वो हाथ उठा करके आज पासवाने मिल्लत ने इन उलमाए ने सुन्नत को गवाह बना करके ये तहिया करे, हाथ उठाए कि कौन कौन हजरात बगैर जहेज की शादी करना चाह रहा है, हाथ उठाइए। या अल्लाह, यही तो 3 लोग हैं, बाकी सब इंटरनेशनल फकीर हैं, बस इतने हैं। या अल्लाह, माशाल्लाह। चलिए कुछ भाई को जिनके सीने में दर्द है कुछ तो हाथ उठाया। मेरे आज बड़ी तेजी के साथ मैं अगला प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ, किसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। नबी के हिज्र का सम्मा कलेजा छीन लेता है, खलीफा के उम्र और जिंदगी फाके में काटी थी, हमारे दौर का हाकिम तो कासा छीन लेता है, रजा के इश्क सबके नजर पर नूर होती है, बरेली का सुरमा है तो चश्मा छीन लेता है, अरे बाबा बुढ़ापे का सहारा भी न छीन जाए, वहां भी अपनी बेटी देके बेटा छीन लेता है, वहां भी अपनी बेटी देके बेटा छीन लेता है। बड़ी तेजी के साथ आइए, उलमाए अहले सुन्नत का इस्तकबाल, मशाइख अहले सुन्नत का इस्तकबाल, सदर बावकार का इस्तकबाल, शुरा अहले सुन्नत का इस्तकबाल और हजरत अकमल रजा अकमल का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसाले से कर ले। नारे तकबीर, हाथ उठनी चाहिए, नारे तकबीर, नारे पासवाने मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। हजरत मोहतरम, सबसे पहले मैं दिल की अता गहराई के साथ मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष माननीय शमीम अंसारी साहब को, कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। अभी माननीय शमीम अंसारी साहब का दूसरी जगह प्रोग्राम है, वो जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और मैं इनकी अताजराही के साथ आप तमामी सामईन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तमामी हजरात इस उर्स हुजूर पासवान मिल्लत में आकर आपने हाजिरी दी है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात को सलामत रखे। और मैं बिलखसूस तमाम सामईन से गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हजरात जो इधर और इधर खड़े हैं, मेहरबानी।